कपड़ा इकट्ठा कर रही है, अब इसको कैसे ठीक करें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है सुई जब सिलाई करती है, यानी कि सिलाई मशीन जब सिलाई करती है तो कपड़ा इकट्ठा क्यों होता है बार बार? ये देखें नाज़रीन, आपके सामने ये देख रहे हैं कपड़ा इकट्ठा हो रहा है। जब मशीन सिलाई करती है तो कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन देखे, जब मैंने सिलाई की है कपड़े की तो कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। पीछे देखें, अभी आपके सामने फिर सिलाई करता हूँ, देख रहे हैं। मैंने अभी सिलाई की है ब्रीक कपड़ा, रेशमी वाला लेडीज कपड़ा है, बहुत ब्रीक जालीदार कपड़ा है। देखें तो देखें इसमें कपड़ा इकट्ठा हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नीडल स्वीप को चेक करना है। जब भी आप सिलाई लगाएं तो अगर आपके कपड़े में कोई फॉल्ट नज़र आता है, टांका तोड़े, स्किप करे या कपड़ा इकट्ठा करे, जैसे ये कर रही है, जैसे आप देख रहे हैं ये कपड़ा इकट्ठा कर रही है मशीन, नीडल को चेक करना है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, इसकी नोक ठीक है। तो नाज़रीन हमने नीडल को उतारा है तो इसको चेक किया, इसकी जो नोक है वो ख़राब है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं नाखून की मदद से, अगर आपको यहाँ से कुछ महसूस हो आप इस नीडल स्विच को रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कोई रेती है, जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेती है। आपके पास जो रेगमा का टुकड़ा हो या कोई रेगमा का पत्ता हो छोटा सा, तो वो काम करेगा। यानी कि इस पर आप इस अगले स्वीप नीडल स्वीप को ऐसे, इसका जो मुंह खराब है ऐसे चारों तरफ से घुमाएं ऐसे, तो इसका मुंह ठीक हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसका मुंह है बिल्कुल ब्रीक हो जाएगा, आप घुमाते जाएं इसका मुंह ठीक हो जाएगा। हम दोबारा स्वीप लगाएंगे, फिर धागा इसमें डालेंगे, अब धागा इसमें डालकर आपको दोबारा सिलाई चेक करेंगे। नाज़रीन हम नीडल स्वीप हमने रिपेयर कर ली है, अब हम दोबारा आपको सिलाई लगा कर दिखाएंगे। पहले वह सिलाई इधर लगी हुई है, अब जो नई सिलाई लगाएंगे वो एक साइड पर लगा कर आपको दिखाएंगे कि जो नीडल हमने रिपेयर की है फर्श पर या रेगमार पर लगाकर उसका रिजल्ट क्या है। तो देखिए नाज़रीन, ये देखिए नाज़रीन, जो अभी मैंने नीडल स्वीप ठीक किया उसकी सिलाई के रिजल्ट देखें, बिल्कुल ठीक लग रही है, कपड़ा इकट्ठा बिल्कुल नहीं हुआ। ये देखें, ये फ्रंट सिलाई है और ये बैक साइड वाली सिलाई है, ये मेरी पहली बार सिलाई है, ये मैंने अब दूसरी बार लगाई है। देखें, आपको समझ आ गई होगी, अगर आपकी नीडल स्वीप खराब हो जाती है, किसी टाइम आपके पास नीडल स्वीप नहीं है, तो आपने क्या करना है, या तो आपके पास कोई रेगमार हो जो मैंने आपको पहले दिखाया। नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ एंड तक हमारी वीडियो लाजमी देखा करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर हम दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।